केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवाइलर और मास्टिफ सहित 23 नस्लों के आक्रामक कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। सरकार ने ये निर्देश देश में पालतू कुत्तों के हमलों से होने वाली मौत की घटनाओं को देखते हुए दिया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश के मुताबिक लोगों को 23 नस्लों के कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर रखने की मनाही होगी। हालांकि सरकार के इस फैसले से डॉग लवर्स नाराज हैं। उनका अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारा NGO SDF कानपुर के नाम से है और ये बेसिकली कानपुर में काम करता है, जो स्ट्रीट जितने भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको रेस्क्यू करता है और उनका ट्रीटमेंट करता है, और ये पिछले 4 सालों से हम इस काम को कर रहे हैं। किस तरह से गवर्नमेंट ने 23 पेट को बैन करने की बात करी है, आपको क्या लगता है कितना सही कदम? देखिए, बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी जीव हैं ये हम सब पर ही निर्भर हैं और हम सब ही इनका पालन पोषण कर रहे हैं, अब वो गली के हों या वो पालतू हों। और डॉग का जो बैन करने का रीज़न है वो उसका एग्रेसिवनेस बताया जा रहा है, पर हम भी पिछले कई सालों से सैकड़ों जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रीट डॉग के साथ हमारे पास पेट डॉग्स भी आते हैं। उनका बिहेवियर हमने जो देखा है 99% तक एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता है, और जो 1% बिहेवियर उनका एग्रेसिव हो रहा है वो उनके ओनर पे ही डिपेंड करता है कि उन्होंने बचपन से उसको क्या सिखाया है, या तो उन्होंने परमानेंट उसको लीज पे बांध के रखा है या उन्होंने सोशलाइज नहीं किया हुआ है। तो ये जो ओनर हैं उन पर ही डिपेंड करता है कि वो अपने डॉग्स को किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। और हम भी हैं एक साधारण से कोई इंसान है, अगर वो कितना भी सीधा हो, बार बार उसको किसी चीज़ के लिए पिंच किया जाएगा तो उसका भी बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कानून बनाने की बात कर रही है, जो बैन करने की बात कर रही है, सरकार को किस तरह का संशोधन करना चाहिए? देखिए, सरकार कोई ऐसा नियम बनाए जिससे कि जो गली के कुत्ते हैं या पालतू कुत्ते हैं उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, और उनका जैसे सरकार स्टरलाइजेशन करवा देती है तो स्टरलाइजेशन करवाना भी कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि उससे एग्रेसिवनेस चली जाएगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर हम डॉग का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो उससे वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, पर ये कहीं तक कोई भी विकल्प नहीं है। मेरे पास 2 अमेरिकन बुली हैं। सर, जो गवर्नमेंट ने बैन करने की बात करी है जी, कितना सही कदम मानते हैं? सर, बहुत गलत कदम है। पहले तो उनको ये चेक करना चाहिए था कि अगर एक मोहल्ले में एक अपराधी है तो पूरे मोहल्ले को सजा नहीं दे देंगे ना सर। और अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था 2002 में, आर्टिकल 429-428, किसी भी डॉग्स को कहीं से हटाया नहीं जा सकता, और प्लस उनको जो ये न्यूट्रल कर रहे हैं न्यूट्रल नहीं कर सकते, सबको समान अधिकार का आदेश दिया था। उसके बावजूद अगर ये आदेश करें बैन करना कोई सलूशन नहीं। मुझे अगर सुरक्षा चाहिए तो मैंने गार्ड डॉग्स पाल रखे हैं, तो मुझे सुरक्षा कौन देगा? हर घर के आगे कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा होगा। आज हम लोग अगर अच्छी नींद सोते हैं तो इन गार्ड डॉग्स की वजह से सोते हैं कि ये गार्ड डॉग्स मेरे घर के बाहर खड़े हैं, मेरे घर के अंदर हैं, मैं जान रहा हूँ कि कोई भी बात होगी तो ये पहले मेरे लिए लड़ेंगे। तो अगर कल को मेरे साथ कोई हरकत होती है तो कौन जिम्मेदार है उसका, ये बताइए आप। क्या लगता है गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी? बहुत सर सोचना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के शिकायत करने पे पूरे मोहल्ले को नहीं सजा देनी चाहिए, उन्होंने पूरे डॉग्स को बैन कर दिया। हम लोग डॉग्स लवर हैं सर, हमको भी पता है ये सारे जानवर हमारे आपके भरोसे ज़िंदा हैं, और इस दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति भी है ये कुत्ते, और हमारे पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। उसके बावजूद अगर बैन कर देते तो ये गलत बात है, गलत, इनको बैन नहीं करना चाहिए। इसका सलूशन निकालिए, इन डॉग्स को ट्रेनिंग दिलाइए और वॉकिंग के लिए अच्छी अच्छी पार्क करवाइए जहाँ डॉग्स वॉक कर सकें। कोई पार्क ही नहीं, कोई ग्राउंड ही नहीं, एनर्जेटिक कुत्ते होते हैं, कहाँ जाएंगे ये। आपको बता दें कि पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने ऐसी नस्ल के कुत्तों के आयात पर रोक लगाने की सिफारिश भी की थी। वहीं पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की अपील और दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक रिट याचिका के बाद केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है।